आदाब, पलपल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम। खबर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। बढ़ते हैं खबर की तरफ। अलीगढ़ में ट्विंकल हत्याकांड में जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, चाहे बलात्कारी या आरोपी हिंदू हो या मुसलमान हो, इस केस में एक अजब तरीके का सिनेरियो सेट किया जा रहा है और सिर्फ बच्ची को इंसाफ दिलाने का मकसद जिन लोगों का दिख रहा था वो अब कहीं ना कहीं मुद्दे से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। बच्ची को इंसाफ दिलाने के बजाय अब नफरत फैलाते हुए दिख रहे हैं। जो हम लोगों के सामने अलीगढ़ से खबरें आ रही हैं वो वाकई हैरान कर देने वाली है, जिसे लेकर के जो लोग इस पर पूरे मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हैं वो वाकई घटना हैरान कर देने वाली है। और जगह जगह पर अब अलीगढ़ में मुस्लिम परिवारों के ऊपर हमले की खबरें सामने आ रही हैं। तो खबर की शुरुआत करने से पहले जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। अलीगढ़ में बच्ची की हत्या को लेकर कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के बल्लभगढ़ से कार से अलीगढ़ आ रहे एक मुस्लिम परिवार को रास्ते में रोक कर पीटा गया। रिपोर्ट के मुताबिक जटारी इलाके में बाइक सवार कुछ बदमाशों ने ड्राइवर के साथ मारपीट की, कार का शीशा तोड़ डाला और गालियां भी दी। घटना के बाद अलीगढ़ पहुंचे पीड़ित परिवार ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले पर एसएसपी ने कहा कि हरियाणा से कुछ लोग आ रहे थे जिनकी गाड़ी पर पथराव किया गया है, इसमें गाड़ी का शीशा टूटा है। मामले में सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कार में सवार व्यक्ति ने बताया कि हम लोग अलीगढ़ लड़की देखने के लिए जा रहे थे, हमें रास्ते में कई जगह पुलिस मिली। टप्पल के आगे आते ही जटारी के पास बाइक सवार कुछ लोगों ने कार रोककर गालियां देना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हम 7 लोग कार में सवार थे। इन लोगों ने कहा कि अलीगढ़ में बच्ची की हत्या के गुनहगारों को कड़ी सजा देनी चाहिए, लेकिन सड़क पर चल रहे लोगों के साथ मारपीट सही नहीं है। कार सवार शफी मोहम्मद ने कहा कि बाइक सवार कुछ लोगों ने हमारी कार के आगे बाइक खड़ी कर दी और ड्राइवर के साथ मारपीट करने लगे, यही उन्होंने हमें गालियां भी दी और कार का शीशा तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में हमारी ओर से कोई गलती नहीं थी। इस घटना की जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि हरियाणा से आने वाली उस कार में सिर्फ मुस्लिम नहीं थे बल्कि हिंदू समाज के भी लोग शामिल थे। पुलिस ने कहा कि जिन लड़कों ने इस घटना को अंजाम दिया है वे सभी 18 से 19 साल के थे और वे सभी हरियाणा के थे। हो सकता है उन लड़कों में कुछ गुस्सा रहा होगा। पुलिस के मुताबिक जिन लोगों ने कार का शीशा तोड़ा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि अलीगढ़ में 2.5 साल की बच्ची की हत्या के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। इस मामले में लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो वहीं रविवार को इस मुद्दे पर टप्पल में धरना प्रदर्शन भी हुआ था। तो वहीं आपको बता दें कि अलीगढ़ केस में नफरत फैलाने वाली हिंदू नेता साध्वी प्राची को रविवार को अलीगढ़ के उस गांव में घुसने से रोका गया जहां एक बच्ची की हत्या की गई है। प्रशासन ने नफरत फैलाने वालों को किसी भी संभावित भड़काव के खिलाफ एहतियात के तौर पर इलाके में धारा 144 लागू है। प्राची को अलीगढ़ पुलिस ने रविवार दोपहर को जेवर टोल प्लाजा के पास रोक दिया जब वह नाबालिग के परिवार से मिलने के लिए जा रही थी। उन्होंने पुलिस को टोल प्लाजा पर बताया, उत्तर प्रदेश में 10 दिनों में ऐसी 27 घटनाएं हुई हैं, उनके लिए कौन उत्तर देगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं यहां राजनीति के लिए नहीं हूं। जब तक आरोपियों को सार्वजनिक रूप से जलाया नहीं जाता तब तक कोई समाधान नहीं होगा। मैंने ये भी सुना है कि प्रशासन परिवार पर दबाव बना रहा है।
रविवार को गांव में ये बात फैल गई कि महापंचायत आयोजित की जाएगी। प्रशासन ने हालांकि ग्रामीणों से चर्चा के बाद योजना को रद्द कर दिया था। अलीगढ़ डीएम चंद्रभूषण सिंह ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि संदेश फैलाए जा रहे थे कि रविवार को एक महापंचायत आयोजित की जानी चाहिए। पुलिस ने मामले के संबंध में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हमने ग्रामीणों से बात की है कि इस बात पर सहमति जताई कि किसी की जरूरत नहीं थी, यह एक संतोषजनक चर्चा थी और महापंचायत को पारस्परिक रूप से बंद कर दिया गया है। मजिस्ट्रेट जांच भी शुरू कर दी गई है। किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए गांव में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। मणिलाल पाटीदार एसएसपी ग्रामीण अलीगढ़ ने कहा कि इलाके में यूपी पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स और प्रांतीय सशस्त्र बल के 400 से अधिक कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। वर्तमान में कोई भी सांप्रदायिक तनाव नहीं है। अलीगढ़ पुलिस ने मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अलीगढ़ के टप्पल में मासूम बच्ची का अपहरण कर उसकी हत्या के बाद लोगों में आक्रोश फूट पड़ा है। लोग सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बच्ची के खिलाफ इंसाफ की मांग कर रहे हैं। टप्पल में हालत कहीं बेकाबू ना हो जाए, इसे देखते हुए रविवार को दूसरे दिन भी सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। टप्पल में 30 मई को एक 2.5 साल की बच्ची गायब हुई थी। 2 जून को उसका छत बिछत शव घर से 100 मीटर दूर मिला। बच्ची के पिता ने पहले ही दिन हत्या का शक मोहल्ले के जाहिर पर जताया था। 2.5 साल की इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा देश उठ खड़ा हुआ है। कहीं कैंडल मार्च निकाला जा रहा है तो कहीं आरोपियों का पुतला फूंका जा रहा है, तो कहीं लोग अनशन पर बैठे हैं, तो कहीं प्रतीकात्मक फांसी लगाकर लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर 2.5 साल की मासूम बच्ची को कोई गला दबा कर कैसे मार सकता है। हर तरफ आक्रोश है, हर तरफ गुस्सा है। रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात के खिलाफ अलीगढ़ में हिंदू महासभा के लोग भी सड़कों पर उतरे हैं और मुस्लिम समाज भी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी आरोपियों को सूली पर चढ़ाने की मांग की है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मुस्लिम समाज ने दरिंदों को पुतला फूंक कर अपना गुस्सा जताया, तो यूपी के लखीमपुर में लोग इंसाफ की मांग पर अन्न त्याग कर धरने पर बैठ गए। टप्पल की मासूम की हत्या मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सन कर देने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। पुलिस ने बताया कि 2.5 साल की बेटी को कितनी बर्बरता से मारा गया, बच्ची की सास से गला दबाकर रोकी गई। इस विभत्स हत्याकांड को आरोपी असलम के घर अंजाम दिया गया। शक है कि लाश को जाहिद के दुपट्टे से लपेटकर फ्रिज में छुपाया गया ताकि बदबू ना आए। इस घटना के बाद पूरे टप्पल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एसएसपी ग्रामीण मणिलाल पाटीदार ने कहा कि पुलिस के आश्वासन के बाद लोगों ने महापंचायत टाल दी है। इलाके में कानून व्यवस्था बनी हुई है और जो भी इस केस में नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह ट्विंकल हत्याकांड मामले में एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हिंदूवादी संगठन के द्वारा की जा रही है और लगातार मुसलमानों को इस केस में टारगेट किया जा रहा है। जब ट्विंकल हत्याकांड मामला सामने आया तो लोग खामोश थे और जब कुछ देर बाद ये बताया गया कि आरोपी जाहिद और असलम हैं तो पूरा मीडिया इंडस्ट्री और जितने भी हिंदूवादी संगठन के लोग हैं वो वहां धरना प्रदर्शन पर जाकर के बैठ गए और तख्ती बैनर लेकर के ये सवाल करने लगे कि जो लोग कठुआ में आसिफा की आवाज उठा रहे थे वो अब ट्विंकल शर्मा पर क्यों खामोश हैं। शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो बेटी को इंसाफ दिलाने के बजाय धर्म देख रहे हैं बेटी का, जिसे लेकर के जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पर इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता और इन लोगों का बेटी को इंसाफ दिलाना मकसद है ही नहीं। समाज में सिर्फ मकसद है तो सिर्फ नफरत फैलाना,
सिर्फ नाम आना चाहिए मुसलमान, तो ये लोग अपने उग्र प्रदर्शन पर आ जाते हैं, जिसे लेकर के अलीगढ़ में हम लगातार देख रहे हैं कि मीडिया घराने के लोग जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मुस्लिम समाज के लिए कर रहे हैं वो वाकई घटना हैरान कर देने वाली है। और बच्ची की आड़ में जो ये लोग दंगा कराने की साजिश रच रहे हैं।